नमस्कार, मैं रीना सोहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए रुख करते हैं हिमाचल की ताजा बड़ी खबरों पर। भाजपा ने बनाई विशेष रणनीति, 3 महीने जारी रहेंगी गतिविधियां। आइए देखें क्या हैं ये गतिविधियां। माननीय दुष्यंत गौतम हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो विशेष रूप से दिल्ली से इस बैठक हेतु आ रहे हैं। स्वाभाविक है, 2024 आ गया, लोकसभा का चुनाव है। हमने संगठनात्मक दृष्टि से पूरे संगठन को चाक चौबंद करने का काम शुरू किया है। उसी कड़ी के अंदर ये बैठक है, जिसमें आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी और उसकी दिशा निर्धारण हेतु आज ये बैठक यहाँ पर संपन्न होगी। इस बैठक में हमारे और कोर ग्रुप के सदस्य होंगे और साथ में अन्य चंद महत्वपूर्ण नेता इसमें होंगे और पूरा दिन ये चर्चा रहने वाली है। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी उम्मीदवारों के बारे में ना तो हिमाचल में कोई चिंतन होना है, ना इस बैठक के स्तर पर चिंतन होना है और ना ही कोई उम्मीदवारों के चयन का भी समय आया है। जब समय आएगा तो हमारा जो केंद्रीय बोर्ड है वो इसका फैसला करता है और जो भी आएगा। बौद्ध मंदिर में लपटों से लाखों का नुकसान, देखिए पूरी खबर। आज सेना दिवस है, जवानों के खतरनाक स्टंट। अनाडेल में सेना दिवस पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की शिरकत। लेकर फंस गए मोहम्मद मुइजू, अपने ही देश में हुई फजीहत, चुनाव में मिली कड़ी हार। सेना दिवस पर पूर्व सैनिक के कंधों पर सियासी निशाना साधने निकले राणा, आइए देखें। कमांडर
जनरल कैप्टन ज्योति प्रकाश जी के नेतृत्व में सबसे पहले टुकड़ी आपने के लिए थे आपके सामने से गुजरती हुई गुरुपुर सैनिकों की टुकड़ी प्लाटून कमांडर और कैप्टन सी ने मिली हुए एनएससी के नेतृत्व में एनएसएस का मुकाबले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने परखी तैयारियां आइए देखें। अच्छा हमारी व्यवस्था में नहीं रहते बिगड़ गए थोड़े वो नहीं है जो एबीपी में अच्छा 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 बोलो नहीं नहीं संजोग होगा संजोग एक मिनट पीछे होना सर एक मिनट थैंक यू सर ले लो उसका फोटो भाई कोई एक फोटो संतोष जी साधु संतोष जी के साथ बड़े पुराने फोटो है हमारे इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर दिखा पीएम मोदी का अनोखा अंदाज दिल्ली आवास पर गायों को खिलाया चारा आइए देखें। एम्बुलेंसों की हालत खस्ता टायर फटने से मरीज तड़पता रहा बीच में ही एम्बुलेंस हुई खड़ी। दो दिन पहले मनाली में दुकान में आग लगी वीडियो आया सामने आइए देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिमाचल जय भारत। दोस्तों आपका स्काइसी ऑयल ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काइसी ऑयल।